येरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब से हमारे बांग्सन बॉयज के इंडिया में पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तब से कोई ना कोई न्यूज मीडिया में आती ही रहती है। और ये तो मैं आपसे अक्सर कहती ही हूँ कि सोशल मीडिया के जमाने में कब क्या वायरल हो जाए कोई नहीं जानता। और इसी सोशल मीडिया का भरपूर फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो है BTS हेटर्स, जो हमारे बांग्सन बॉयज की इमेज खराब करने का कोई मौका नहीं जाने देते। तो ऐसी ही एक वाहियत पोस्ट वायरल करके ये BTS हेटर्स खुद को काफी ब्रेव समझ रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने जैसे कोई बड़ा कारनामा कर दिया है। वेल, इस न्यूज को डिटेल में हम आपके साथ शेयर करें, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अभी इंडिया में टीनेजर आर्मी सबसे ज्यादा है, जो बांग्सन बॉयज के लिए एक्सट्रीमली दीवानी है। और ये बात CBSE बोर्ड से भी छिपी नहीं है। इसी बात का ध्यान रखते हुए कुछ टाइम पहले CBSE बोर्ड ने 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम पेपर में BTS का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज दिया था, जिसके लिए हमारी इंडियन BTS आर्मी एक्सट्रीमली एक्साइटेड थी। वहीं केरला गवर्नमेंट ने BTS को अपने सिलेबस में भी शामिल कर लिया है। तो जो BTS हेटर्स हैं, वो खुद को काफी इंटेलिजेंट और टीनेजर आर्मी को बेवकूफ समझते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि वो कुछ भी बिना दिमाग पैर वाला पोस्ट वायरल कर देंगे और आर्मी इस पर यकीन कर लेगी। और यही सोचकर उन्होंने एक पोस्ट वायरल किया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 2 गर्ल्स को CBSE बोर्ड ने इसलिए बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्मी के ऐसे की जगह BTS आर्मी का ऐसे लिख दिया। वेल, इन ना समझ हेटर्स को जाकर कोई समझाए कि इंडियन टीनेजर आर्मी उनसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदार है, जो उन्हें इतनी छोटी एज में भी पता है कि BTS क्या है और वो आर्मी को क्या मैसेज देते हैं। वहीं इन हेटर्स ने इस पोस्ट को वायरल करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि इतनी समझ तो 2nd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट में भी है कि अगर उनसे इंडियन आर्मी के लिए ऐसे लिखने को कहा जाएगा तो वो BTS आर्मी पर ऐसे नहीं लिखेंगे। इसके अलावा CBSE बोर्ड कभी भी किसी भी स्टूडेंट को इसलिए बैन नहीं कर सकती क्योंकि उसका आंसर रॉन्ग है। वेल, मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी इस पोस्ट को बनाया होगा वो खुद भी कभी स्कूल नहीं गया होगा, वरना इतनी बेसिक बात उसे पता होनी ही चाहिए थी। हालांकि इस पोस्ट से काफी आर्मी परेशान हुई, तो उन्हें बता दें कि ये न्यूज बिल्कुल फेक है, तो आप ऐसी किसी भी न्यूज पर ट्रस्ट ना करें। हाँ, ये बात सच है कि आप जानबूझकर BTS से रिलेटेड न्यूज क्रिएट करके BTS आर्मी को गुमराह किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं हमेशा की ही तरह आपसे यही कहूँगी कि जो भी न्यूज हो, आप उस पर ट्रस्ट करने से पहले या तो उसके बारे में सर्च करें या अपनी ओनी से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे ओ।